गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी मॉर्निंग का टाइम है और मेरी चाय बन गई थी तो पर आंटी आई हुई है तो उधर मैं जा रही हूँ आंटी को चाय देने के लिए। तो सुबह सुबह मैंने चाय बना लिया था, मैंने सोचा कि आंटी आई उनको चाय मैं दे दूँ। चलिए आंटी को जो है कि चाय दे देती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। दोस्तों मैंने आंटी को चाय दे दिया है और अब मैंने अपना टी बना लिया है, तो चलिए मैं भी अपना टी पी लेती हूँ। डे टू फैमिली, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी मॉर्निंग का टाइम है और लाला को जो है कि मैंने जगा लिया है, और देखिए लाला को मैंने जगा के उनको दूध का भोग लगा दिया है, और जो है कि बच्चों को भी जो है कि नहला दिया है, और बच्चे जो है कि अपनी खेल में लगे हुए हैं। अभी कैरम बोर्ड निकाल कर अभी बच्चे दोनों खेल रहे हैं, और बाहर आप देख सकते हैं कपड़े मेरे धुल चुके हैं और बाबू ने सारे कपड़े फैलाए हुए हैं। आज मेरा बेटा बहुत काम करता है, देखिए और इधर खिलौना पूरा रखा हुआ है, तो आजकल इन लोग की मस्ती चल रही है। और जो एक ऊपर आंटी आई थी तो सुबह मैंने जो कि उनको चाय देने गई थी, तो अभी आई हुई हैं, आजकल रहेंगी फिर चली जाएंगी आंटी। और मैंने जो कि ड्रिंक ले लिया है, जो सुबह मैं मॉर्निंग में लेती हूँ, वेट लूज जर्नी मेरी चालू है, और अभी जो है ना शेक मुझे पीना है। और गाय धूप बहुत ज़्यादा हो जा रही है, आप लोग खेलिए, शोर, मैंने कहा कि शोर मत करना तो सब शोर नहीं कर रहे हैं। और अभी जो है ना गाय बहुत ही ज़्यादा धूप हो जा रही है, बहुत ही ज़्यादा, देख सकते हैं बाहर। इधर भी कपड़े मैंने डाले हुए हैं धो के, बड़े बड़े, देखिए इधर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा आजकल धूप हो जा रही है। और मैं जब भी सोचती हूँ कि मैं मार्केट जाऊँ, क्योंकि मुझे कुर्ती वगैरह लेने हैं, अपने गाउन वगैरह लेने, तो मैं जा ही नहीं पाती। सुबह से मूड रहता है कि मैं अब जाऊँगी, और फिर उसके बाद ये होता है कि धूप थोड़ा सा कम हो तो निकल, लेकिन इतना तेज जो है कि 7 ही बजे इतना ज़्यादा जो है कि गाय धूप हो जाता है कि जाने का बिल्कुल मन नहीं होता। अपने जाना होता तो मैं कहीं भी मतलब चली जा सकती हूँ, बट मेरे साथ 2 बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, तो उन लोग को धूप ना लगे इसी वजह से मैं जो है कि कैंसिल कर देती हूँ हर वक्त। बच्चे लोग जिद करते, मम्मी चलिए कहीं घूमने, समर की छुट्टी है कहीं चलिए, कहीं जा ही नहीं पाती मैं धूप में, कहाँ जाऊँ मैं, समझ में नहीं आ रहा है कितनी। तो उन लोग को बहलाना फुसलाना, बहला फुसला देती हूँ थोड़ी बहुत, तो बस यही रहता है। बहुत सारे काम है मार्केट में करने के लिए, और हस्बैंड आते हैं शाम को, तो उनको थका हारा देख कर तो फिर मैं उनसे बोलती ही नहीं कि आप चलिए, तो बट उन्होंने बोला है कि किसी दिन चलते हैं शाम के टाइम, तो वो जो है कि कुर्ती वगैरह मेरे को लेनी है। और इसमें इतनी गर्मी है ना कि कुर्ती वगैरह एकदम गाउन वगैरह पहना ही नहीं जाता, जो आते हैं जो अनारकली कुर्तियाँ होती हैं, तो इसमें केवल जो है कि मैक्सी मतलब जो नाइटी होता है बिल्कुल उसी में कंफर्टेबल मेरे को है, बिल्कुल कॉटन की रहती है, मैं वही पहनती हूँ। आप लोगों ने देखा है इतना ज़्यादा मतलब जो चिपके हुए रहते हैं सूट वगैरह, बिल्कुल भी नहीं हो पाता। और इसमें वेट लूज़ कर रही हूँ गाइस, और कल से मैंने चालू किया, कल मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, कितनी गर्मी में व्लॉग भी नहीं बना पाती मैं। और मेरा जैसे कि 7 तारीख, हाँ 7 तारीख से मैंने स्टार्ट किया, और आज तारीख शायद 9, मैं देखती हूँ मतलब उसमें कैलेंडर में कितनी तारीख है, आज आज 9 रविवार, जी हाँ रविवार है, 9 तारीख है। तो मैंने अपना वज़न किया है, तो गाइस 1 किलो वज़न मेरा कम हुआ है, क्योंकि अगर हम लोग घर में एक्सरसाइज करते कुछ करते, तो मैं प्रोटीन भी ले रही हूँ, और जो मैंने बताया फ्रेश जो होता है ना वो भी मैं ले रही हूँ, तो काफ़ी दिन भर में पानी पीती हूँ, 5-6 लीटर पानी मैं पी जा रही हूँ इस समय। और रात में जो है कि डिनर मैं कर ही नहीं हूँ, सिर्फ मैं शेक ही ले रही हूँ, तभी एक केजी मेरा कम हुआ है, देखते हैं आगे क्या होता है। जैसी जर्नी रहेगी मेरी, वैसे मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। चलिए अभी जो शेक बना के पी लेते हैं, फिर उसके बाद पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि गाय तभी मैं पूजा पाठ करूँगी फिर शेक पे, तो टाइम का ऊपर नीचे हो जाएगा, तो वेट लूज में ऐसा होता है कि टाइम का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। चलिए फटाफट शेक बनाते पीते फिर पूजा पाठ करते हैं। दोस्तों इधर शेक बन के रेडी हो गया है, देखिए इधर बन के रेडी हो गया, इसको पी लेते हैं। मेरी पूजा हो गई है और आप सभी लोग जो है कि दर्शन कर लीजिए माधव जी के, केशव जी के और लड्डू बाबू के, और मैंने जो है कि भोग भी लगा दिया है, माता रानी का भी दर्शन कर लीजिए आप सभी लोग।
दोस्तों से पूजा पाठ हो गया था तो लाला के कपड़े वॉश कर लिए हैं और इसे डाल देते हैं बाहर या सूख जाने हैं, क्योंकि इतनी तेज़ धूप है ना गाइस कि क्या ही बताएं। मैंने ले लिया है अपना नाश्ता और मैं अब जा रही हूँ नाश्ता करने, जो है कि आज मुझे फ्रूट ही लेना था। इसमें मैंने कट करके जो है ना लीची डाल दिया है, तो आज यही मतलब खाना था। तो अपने रूटीन के साथ मैं अपना वेट लूज जर्नी भी आपके साथ इस तरह शेयर करती रहूँगी। दोस्तों जो है कि नाश्ता मेरा हो गया है, नाश्ता मैंने कर लिया है और उसके बाद जो है कि मैंने चढ़ा दिया है दाल मैंने चढ़ा दिया है और कपड़े वगैरह तो मैंने पहले ही वॉश करके डाल दिए थे। लाला के कपड़े थे तो वो भी मैंने अभी डाल दिए हैं, धूप में, धूप बहुत ही तेज़ है, और दाल चढ़ा दिया है। फिर उसके बाद जो है कि सब्जी कट करेंगे और नाश्ता बच्चों को भी दे दिया था, लाला ने भी कर लिया, मैंने भी कर लिया है। इसी तरह जो है कि जर्नी मेरी चलेगी अभी वेट लूज की भी, और इसी के साथ साथ जो है ना मैं अपनी जो है कि रूटीन भी दिखाती रहूँगी, अपनी वेट लूज जर्नी भी आपके साथ इसी तरह शेयर करती रहूँगी। चलिए जो है कि दाल तो मैंने चढ़ा दिया, बस ये हो ही चला है, और इसके बाद जो है कि मैं सब्जी काटती हूँ। सब्जी में मैं भिंडी की भुजिया ही बनाऊँगी। तो दोस्तों इधर जो है कि मैंने भिंडी को कट कर लिया है, दाल हो चला है मेरा और कढ़ाई चढ़ा दिया है मैंने। चलिए बनाते हैं सब्जी। तो दोस्तों इधर जो है कि लंच थाली बन के तैयार है और इधर मैंने बना लिया है खाना फटाफट, और इधर दाल में आज मैंने तड़का नहीं दिया है, तो दाल है, चावल, और इधर है सैलेड, इधर है भिंडी की भुजिया, इधर है दही। तो दोस्तों ये जो है कि लंच थाली है आज की मेरी। चलिए लंच कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों मेरा लंच हो गया है और लाला को भी मैंने भोजन करा दिया था, बच्चों लोग ने खा लिया है, और अभी 15 मिनट हो गया तो पानी मैंने नहीं पिया था, अब लेके पानी जो है कि पी रही हूँ, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद जो कि पानी नहीं पिया जाता है, ऐसे वेट और वो होता है। और जो कि अभी आधी घंटा खाना खा के 15 मिनट हो गया है और अभी आधी घंटा के बाद मुझे फिर से टी लेना है, तो अभी मैं टी ले लूँगी और अभी थोड़ा थोड़ा करके पानी पी रही हूँ। और उसके बाद अभी मेरा पार्सल आने वाला है मीशो से, तो मैंने कुछ मतलब स्टोरेज मंगाया हुआ है, वो आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आपसे। तो मेरा पार्सल आ गया था और मैंने मीशो से कुछ किचन के लिए ऑर्डर किया था, तो मैंने ले लिया है। तो दोस्तों इधर मैंने जो है कि पार्सल ओपन कर लिया है और मैंने मंगाया है कंटेनर, तो ये जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं जो बना हुआ है, तो बस वही चीज़ के लिए मैंने मंगाया है, तो उसको फ्रीज में स्टोर करके रखूँगी, जैसे कि मिर्ची हो गई, अदरक हो गया, तो देखिए इस तरीके की है, तो इसमें आप रख सकते हैं ये सारी चीज़ें। और अगर आपको बस ज़्यादा चीज़ें रखनी है तो आप ऐसे भी मतलब करके रख सकते हैं, मतलब काफ़ी चीज़ मतलब चीज़ों में ये मतलब वो हो जाएगा, यूज़फुल है। और इसमें आप रख सकते हैं जैसे मिर्ची हो गई, आदी हो गया, नींबू हो गया, तो इसमें आप पैक करके रख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस पर बना हुआ है, देखिए कट करके धनिया रखा हुआ है, शिमला मिर्चा, प्याज, आलू, ये सब आप इसमें रख सकते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो इसीलिए जो है ना मैंने मंगा लिया है, और चारों तरफ से लॉक दिया हुआ है इसे बंद करने के लिए इस तरीके से, तो काफ़ी अच्छा लगा, तो यही मैंने मंगाया है। तो ये मैंने मीशो से मंगाया हुआ है, आपको कोड चाहिए तो मुझे जो है कि मैसेज करिएगा, मैं कोड दे दूँगी इसका। दोस्तों ने पानी गर्म कर लिया है, आधा घंटा हो गया है मुझे लंच किए हुए, तो इधर पानी ले लिया है और इधर मैं ले लेती हूँ अफ्रेश, इधर 2 चम्मच मैंने डाल दिया है और बन के तैयार हो गया है मेरा ड्रिंक। चलिए पी लेते हैं। तो दोस्तों ये शाम हो गई है, शाम के 4:30 हो गए थे, तो मैंने लाला को जगा लिया है, उनका श्रृंगार वगैरह करके उनको जो कि भोग लगा दिया है यहाँ पे, तो लाला को आज मिठाई में भोग लगा दिया है उनको। मैं आ गई हूँ किचन में लाला को भूख लगाने के बाद, ये हस्बैंड भी आ गए थे, तो यहाँ
जो कि गाजर मंगा लिया था। मक्खी सही बात है, बहुत ज़्यादा है हमारे वहाँ, आपके वहाँ मक्खी है ज़रूर बताइएगा। इधर अमिया मंगा लिया है, तो इसका मैं कल बनाऊँगी। वो नहीं होता है आम के मुरब्बे जो बनते हैं वो डाल के गुड़, तो वो मैं कल बनाऊँगी। यहाँ चुकंदर मंगा लिया था, क्योंकि हम लोग को जो कि सलाद में बहुत ज़रूरी है चुकंदर खाना। नींबू था और इधर गाजर था, यही मंगा लिया। सब्ज़ियाँ थी तो इसलिए सब्ज़ियाँ नहीं मंगाई हैं। और इधर जो है इधर आम भी जो एक मैंने धो के रख दिया, अब फ्रिज में रखने हैं, तो आम भी मंगा लिया था। तो बस यही मंगाया था। और सारे को मैंने अच्छे से वॉश करके, देखिए सारे सूख भी गए हैं। तो बाहर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा धूप है। अभी घड़ी में 4:30 5 टाइम हो रहा है, 5 बजे 5:15 बजे मेरा टी टाइम हो जाएगा। और इधर देखिए धूप में भी, इधर अभी काम चल रहे हैं बाहर, इधर धूप में भी काम चल रहे हैं बाहर पूरे। और इधर थोड़ी बहुत हवा चल रही है। और जो है कि अब मैं जो है किसी के साथ अब वीडियो का एंड कर देती हूँ गाइस, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जा रही है आजकल मेरी, तो इसीलिए। तो चलिए मिलती हूँ मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। राधे राधे, बाय बाय।